बहुत खुशी हुई कि कम से हमने 38 साल 7 महीना नौकरी करके अपनी सेवा को आज अलविदा कह रहा हूँ। 84 लेकर आज तक मैंने राजभवन सेवा दिया। मैं पहले गार्डनर था, उसका सुपरवाइजर हुआ, उसका उद्यान अधीक्षक, गार्डन सुपरिटेंडेंट। बहुत बड़ी उपलब्धि मेरी हुई, बहुत कम इंसान किस तरफ का होता है। यहाँ 200 वैरायटी गुलाब है और 45 वैरायटी फ्लावर लगा हुआ, विंटर फ्लावर, और 30 वैरायटी का औषधि लगा हुआ है। सबसे पहले जब आप यहाँ आए थे कौन थे उस वक्त राज्यपाल? डॉक्टर AR किदवाई, बिहार झारखंड एक था। मैंने इंदिरा गांधी को भी देखा, सोनिया गांधी को देखा, आपके अटल बिहारी वाजपेयी को देखा, नरेंद्र मोदी साहब को देखा, सबको। प्रेजेंट जो राज्यपाल हैं उनकी इतनी प्रशंसा की या कम है, इससे 3 घंटा लगातार हम लोग के साथ खड़े रहकर खुद काम करवाते हैं। राजभवन बहुत खूबसूरत है, यहाँ तमाम तरह के गुलाब हैं, बाग बगीचे, झरने और बेहद ही सुंदर आकर्षक आपको पौधे देखने को मिलते हैं। लेकिन ये राजभवन इतना खूबसूरत है कैसे? इसके पीछे किसकी देखरेख होती है? कौन इसके पीछे मेहनत करता है? इसके पीछे मेहनत करते हैं अब्दुल कलाम जी, जो कि हमारे साथ हैं आज। और सबसे खास बात सुनिए, आज ही ये रिटायर भी हो रहे हैं। 39 साल इन्होंने राजभवन में सेवा दी है और तब जाकर राजभवन इतना खूबसूरत है। आज ही रिटायर हो रहे हैं आप 39 साल सेवा देने के बाद। बहुत खुशी की बात है। 84 लेकर आज तक मैंने राजभवन सेवा दिया। मैं पहले गार्डनर था, उसका सुपरवाइजर हुआ, उसका उद्यान अधीक्षक, गार्डन सुपरिटेंडेंट। बहुत बड़ी उपलब्धि मेरी हुई, बहुत कम इंसान किस तरफ का होता है। कैसे इतना 39 साल तक बाग बगीचों को इतना सहेज कर रखना, कैसे ये सब इतना पॉसिबल और आज तक खूबसूरत? मेरे पास आदमी है, मेन पावर है, मेन पावर कमी रही। और जब मैं आया था तो यहाँ पूरी जंगलात थे, बाउंड्री भी नहीं था, गाय भैंस बकरी सब इंसान भी चरते थे, यहाँ लैट्रिन करते थे। उसके बाद तब बाउंड्री हुआ, तब का हर सेक्टर को बनाया गया, हर राज्यपाल के सहयोग से बनाया गया। अभी प्रेजेंट जो राज्यपाल हैं उनकी इतनी प्रशंसा की या कम है, इससे 3 घंटा लगातार हम लोग के साथ खड़े रहकर खुद काम करवाते हैं। राज्यपाल यहाँ खुद अपने से भी करते हैं। राज्यपाल काफी शौकीन? हाँ, बहुत शौकीन है जी। और काकि यहाँ 200 वैरायटी गुलाब है और 45 वैरायटी फ्लावर लगा हुआ, विंटर फ्लावर, और 30 वैरायटी का औषधि लगा हुआ है। कल्पतरु है, रुद्राक्ष है, सिंदूर है, ऑल स्पाइसेस है, कबाब चीनी है, दालचीनी है, तेजपात है। सबसे पहले जब आप यहाँ आए थे कौन थे उस वक्त राज्यपाल? डॉक्टर AR किदवाई, बिहार झारखंड एक था। उस समय झारखंड आप सोचिए बना भी नहीं था, तो ये 39 साल पहले की बात है। उस समय वो राज्यपाल थे और आज रमेश व्यास है। इससे पहले भी कई राज्यपाल जो है आए गए, सब आपके काम की प्रशंसा जी। हाँ, जितने राज्यपाल रहे, जितने प्रधान सचिव रहे, जितने सब हमारी प्रशंसा की हैं। अभी तो और कहा कि राज्यपाल काफ़ी प्रशंसा करते हैं जी। हाँ, इस बीच कई अतिथि जो हैं यहाँ आए होंगे, कई प्रधानमंत्री, मंत्री, सब लोगों ने गार्डनिंग को देखा है? हाँ, मैंने इंदिरा गांधी को भी देखा, सोनिया गांधी को देखा, आपके अटल बिहारी वाजपेयी को देखा, नरेंद्र मोदी साहब को देखा, सबको जी। जी हाँ जी, बहुत काफ़ी तारीफ। और यहाँ का रोज कहा कि वर्ल्ड में सेकंड होता है, न्यूजीलैंड फर्स्ट, सेकंड में रांची झारखंड। इतना खूबसूरत जी। हाँ, और लोग, और क्या खासियत है इस राजभवन की? सुना है इस बार की चरखा भी कोई बनवाया है द्रौपदी मुर्मू। हाँ, चरखा लगा हुआ सामने है अशोक उद्यान में। क्या उसकी खासियत? एक तो शो के लिए है। कुछ ऑक्टोपस जैसा भी सर ने? हाँ, ऑक्टोपस बना दो। क्यों बनवाया उसको? ये गवर्नर बनवाए हैं। पेड़ गिर गया तो उसको काट कर पूजा का लकड़ी बर्बाद करें हैं, उसको बना दो ऑक्टोपस, बन गया। देखने का बहुत यह है और बहुत आकर्षित करता है वो पब्लिक को। अब चूंकि आज आप रिटायर हो रहे हैं, क्या कुछ आपका एक अनुभव जो है भावनात्मक अनुभव इस राजभवन से जुड़ा हुआ, क्योंकि एक लंबा सफ़र, एक लंबी यात्रा आपने यहाँ तय की? हाँ, वो तो कुछ रहता है, मगर कहा कि हम कोई उसका अफसोस नहीं है। बहुत खुशी हुई कि कम से हमने 38 साल 7 महीना नौकरी करके अपनी सेवा को आज अलविदा कह रहा हूँ बस जी। हाँ, बहुत सा होता है कहा कि आदमी तो दाग लगता है, मगर हमारे पास किसी राज्यपाल, किसी प्रधान सचिव ने कोई दाग नहीं लगाया। ये अब्दुल कलाम जी हैं और आज लगभग इन्होंने बताया कि 38 साल 7 महीने की
नौकरी देकर, यहाँ काम सेवा देकर आज रिटायरमेंट हो रहा है इनका, और हम सब इसके साक्षी हैं, इसके गवाह हैं कि राजभवन कितना खूबसूरत है और इनकी ही देखरेख में, इनकी ही वजह से ये खूबसूरत है। इन्होंने बताया कि मैन पावर है इनके पास, वो काम करते हैं रात दिन, ये लगे रहते हैं उनके पीछे कि ऐसे करो ऐसे करो। और हमारे इस बार के राज्यपाल रमेश बैस भी जो हैं वो काफ़ी शौकीन हैं, खुद से काम करते हैं, इनके साथ लगे रहते हैं और इनकी काफ़ी प्रशंसा करते हैं। इस दौरान कई अतिथि जो है राजभवन पहुंचे और हर कोई इनकी काम की जो है सराहना करता है, हर कोई इनकी काम की तारीफ करता है, बेहद अच्छा काम किया है आपने, बहुत खूबसूरत है राजभवन। और इसी के साथ आज इनका रिटायरमेंट हो रहा है। शुक्रिया। सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायो, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायो लेकर आए हैं नीट 2023 में अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9th January 2023। एनरोल नाउ। बायो, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। द followup.in, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in